जल्द जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए इनके अलावा दूसरे तबाही मचाने वाले घातक हथियार भी यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए। यानी चेचन कमांडर रमजान कादिरव की वो चेतावनी सही साबित होती दिख रही है जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को ये धमकी दी थी कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होगा और उस ऑपरेशन में रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग और भयानक होने वाली है। कादिरव की इस धमकी से पहले पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका था कि पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव समेत यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर फिर हमला बोलेंगे और वो भी पूरी तैयारी के साथ। और साइबेरिया से घातक हथियारों से लदी ट्रेन की जो तस्वीरें सामने आईं, उसके बाद लगने लगा कि रूस वाकई कुछ बड़ा करने वाला है। उधर रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की तारीख के साथ एक एनिमेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि जंग शुरू होने के बाद रूसी फौज ने यूक्रेन के किन इलाकों पर कब्जा किया। और सामने आए एनिमेशन में यूक्रेन के नक्शे पर अलग अलग इलाकों में विस्फोट होते दिखाई दिए। रूस की सेना ने बीते 24 फरवरी यानी जब युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर 25 मई तक अपने सैनिकों की कार्रवाई को एनिमेशन के जरिए दिखाया। एनिमेशन में लाल रंग वाले इलाकों पर रूसी फौज ने कब्जे का दावा किया। शुरुआत में उसने कीव, खार्किव और लवीव में की गई बमबारी को भी दिखाया। दावा किया गया कि 31 मार्च तक रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास वाले कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 6 अप्रैल के बाद वो पीछे हट गई। एनिमेशन के अंत में पुतिन की फौज ने मारियोपोल, डोनेस्क और लुहांस्क पर अभी कब्जे का दावा किया। यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया कि पुतिन ने करीब 1000 अजोव लड़ाकों को मौत देने की तैयारी कर ली है। असल में अजोव रेजिमेंट के ये वो सैनिक हैं जिन्हें मारियोपोल के अजोवस्टाल स्टील प्लांट को रूसी सेना से बचाने के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने करीब 1.5 महीने तक रूसी सेना को प्लांट पर कब्जा करने से रोक दिया था। अजोव रेजिमेंट के सैनिक न सिर्फ अजोवस्टाल स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे थे, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था। दावा किया गया कि स्टील प्लांट में 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। इस छोटे से हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना को नाकों चने चबाने पड़े थे, जिससे पुतिन न सिर्फ परेशान थे बल्कि वो बौखला गए थे, क्योंकि पूरे मारियोपोल शहर को जीतने के बाद भी स्टील प्लांट उनकी पहुंच से दूर था। इसी वजह से रूसी फौज ने प्लांट पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। रॉकेट और मिसाइलों से प्लांट को निशाना बनाया गया। ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों तक चली जंग के बाद रूस ने यह दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं। जो बच्चे हैं वो बुरी तरह घायल हैं। इसके बाद अजोवस्टाल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हथियार डाल दिए थे। उस वक्त ये दावा किया गया था कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए। रूस के इस दावे के बाद यूक्रेन ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी कि अजोवस्टाल स्टील प्लांट से उसकी सेना पीछे हट चुकी है। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। प्लांट से बाहर आने के बाद रूसी सेना के जवानों ने सभी की तलाशी ली, बैग से लेकर उनके कपड़े तक खंगाले गए थे। बाद में स्टील प्लांट में सरेंडर करने वाले अजोव रेजिमेंट के सभी सैनिकों को यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले एक इलाके में मौजूद टॉर्चर कैंप में भेज दिया था। और अब यूक्रेन का आरोप है कि रूस करीब 1000 अजोव लड़ाकों को मौत देने की तैयारी में, और इसके लिए रूस उन पर युद्ध अपराधों के तहत कार्रवाई करने में जुट गया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस अजोव रेजिमेंट के सैनिकों को नाजी मानता है और उसे इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं स्टील प्लांट में सरेंडर करने वाले सैनिक उसके लिए खतरा न बन जाए। यही वजह है कि रूस उन पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले सभी सैनिकों को रूस मौत की सजा देगा, जबकि यूक्रेन की यह दलील है कि सरेंडर करने वाले सारे सैनिक युद्ध कैदी हैं जिन्हें पकड़े गए रूसी सैनिकों के बदले उन्हें वापस कर देना चाहिए। लेकिन आरोप है कि रूस इसके लिए तैयार नहीं है और वो किसी भी सूरत में अजोव रेजिमेंट के सैनिकों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उधर चर्निव में यूक्रेन की सेना ने रूस के बरसाए उन बमों को नष्ट कर दिया जिनमें धमाके नहीं हो पाए थे।
इसके लिए बाकायदा उसने वहां के पत्रकारों को बुलाया और उन्हीं के सामने इन बमों को धमाके के साथ उड़ा दिया। और इस पूरी कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के बरसाए सैकड़ों बमों में विस्फोट होता नजर आया। दावा किया गया कि ये वो गोले थे जो या तो फटे नहीं या फिर उन्हें धमाके से पहले ही ढूंढ लिया गया। यूक्रेन ने चर्निव और उसके आसपास के इलाकों से ऐसे बमों को इकट्ठा किया और उन्हें एक जगह पर जमा कर लिया। वहां मौजूद मिसाइलों को सैनिकों ने एक ट्रे में जमाया और फिर क्रेन की मदद से उसे एक ट्रक में रखा गया। इसके बाद जमीन खोदकर इस पूरे गोला बारूद को दफनाया गया और फिर उसमें जोरदार धमाका कर दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जवानों ने रूस के बरसाए इन बमों को पहले ही डिफ्यूज कर दिया था, जिन्हें ढूंढने में उसकी मदद सेना के खोजी कुत्तों ने की। यूक्रेन ने इस कार्रवाई में न सिर्फ रूसी बमों बल्कि मिसाइल और टैंक के पुर्जों को भी धमाका कर उड़ा दिया। इस बीच मारियोपोल में समुद्र किनारे यूक्रेन की बिछाई गई बारूदी सुरंगों को रूसी सेना ने नष्ट करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसका कब्जा है और यूक्रेन के सैनिकों ने वहां से जाते वक्त कई इलाकों में लैंडमाइन बिछा दी ताकि पुतिन की सेना के काफिले को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की इस साजिश का पता लगा लिया था और यूक्रेन के सैनिकों के जाने के बाद से ही वो उन बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में जुटी है। कुछ जगहों पर तो इस काम में तेजी भी ला दी गई क्योंकि समुद्र के रास्ते आने वाले रूसी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए समुद्री तटों के आसपास बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया गया। इस काम के लिए लैंडमाइन को उड़ाने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जिसने एक एक कर वहां जमीन में छिपाकर रखे गए बमों को नष्ट कर दिया। वही खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने का पुतिन का गेम प्लान सामने आया। द मॉस्को टाइम्स अखबार ने दावा किया कि रूस क्राइमिया की तरह खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की फिराक में, जिसके लिए रूस के एक सांसद की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि क्राइमिया की तरह खेरसोन को रूस में शामिल करने का काम पूरा हो जाएगा और उन्होंने ये दावा पुतिन के दफ्तर की ओर से किए गए खेरसोन के दौरे के बाद किया। ये पहला मौका है जब रूस के किसी सांसद ने खेरसोन को अपना हिस्सा बनाने की तैयारियों की बात मानी। दावा किया गया कि पुतिन सरकार ने खेरसोन के लोगों को रूसी पासपोर्ट देने और वहां के लिए फंड जारी करने का भी भरोसा दिया है, जिसे वहां जनमत संग्रह कराने के प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है। जहां ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है, और यही वजह है कि रूस की सरकार खास गेम प्लान के तहत खेरसोन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई। क्योंकि ठीक इसी तरह 8 साल पहले 2014 में क्राइमिया को यूक्रेन से अलग करने के लिए रूस ने जनमत संग्रह कराया था। इस जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस का कब्जा है और रूस को ऐसा लगता है कि वो खेरसोन में भी जनमत संग्रह करवाकर उसे यूक्रेन से अलग करने में कामयाब हो जाएगा। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि जंग के मैदान से भागने के लिए रूसी सैनिक अपनी झूठी शादी का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 105 दिनों से जारी युद्ध में उनका हौसला पूरी तरह पस्त हो चुका है और इसलिए रूसी सैनिक अपने घर लौटने के लिए अलग अलग बहाने बनाने में जुटे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक कुछ रूसी सैनिक अब अपनी झूठी शादी का बहाना बनाकर युद्ध का मैदान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जारी जंग में वो पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके पास न खाना है न ही पानी और कुछ ने तो 2 महीनों से कपड़े तक नहीं बदले। ऐसे में वो किसी तरह यूक्रेन छोड़कर रूस भागने की फिराक में हैं। मतलब युद्ध से बचने के लिए रूस के सैनिक रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कुछ सैनिकों की आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग में उसे इस बात का पता चला, जिसमें एक रूसी सैनिक ये कहते हुए भी सुना गया कि गंभीर रूप से घायल होने पर ही उसे अपने देश जाने का मौका मिल सकता है या फिर तब जब पुतिन जंग खत्म करने का ऐलान कर दें।